मेरा नाम महंत दूजपुरी है। मैं मठ बाबा लदाने का वर्तमान संचालक हूँ। आज किस मामले को लेकर आज हमारे मठ में 25 तारीख के लगभग 12 से लेके 1-1.5 बजे तक कुछ अज्ञात लोगों ने डकैती डाली, जिसमें मेरे को और मेरे एक संदिग्ध संत छोटू गिरी जी को पकड़ के बंदी बना लिया गया। और डेरे में क्योंकि ठेके का पैसे आने वाले थे, ये सब गांव वालों को पता था, और वो पैसे लूटने के लिए उनका प्रोग्राम था वहाँ पे। बाई देवे वो पैसा मैंने बाबा राजपुरी की दया से गांव में भिजवा दिया था, लेकिन कुछ पैसे मैं एक जगह मंदिर ओमकार खेड़े का भी मैं महंत हूँ जो निगदू में स्थित है, कुछ कनक के पैसे कुछ और कुछ वैसे मेरे लेने देने थे, ऐसे कुछ पैसे मैं 6.5-7 लाख रुपए के करीब मेरे पे वैसे थे जो मेरे गिने हुए नहीं थे, लगभग कुछ मेरे जेब में पड़े हुए थे, कुछ इतवार के चढ़ाए हुए पैसे थे, लगभग 200-250 माला थी, 4 मेरी गुंठियाँ थी सोने की, वो सब वो लोग लूट के वहाँ से ले गए। किस तरह घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से आए वो लोग? आए और पहले हमारे महात्मा जी को बंधक बनाया, फिर उनसे शायद मेरे बारे में जाना और मेरे दरवाजे को तोड़ के डायरेक्ट मेरे को दाब लिया। दाबने के बाद उन्होंने हमारे यहाँ लगभग 30-35 CC कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे का DVR को उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही जहाँ मैं दीवार में DVR रखता हूँ उसको उन्होंने कैच कर लिया और मेरे को दबोच लिया। ये घटना, हथियार उनके पास, हमने तो डंडे देखे और एक लोहे का छरिया देखा, और अंदरूनी तौर से मठ बहुत बड़ा है तो उसमें और भी लोग साइड में खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें देखत में बस 4-5 दिख रहे थे, और क्योंकि हमें एक कमरे से निकाल के एक कमरे में बंद कर दिया गया तो हमें ये नहीं पता था कि बाहर कितने आदमी खड़े हैं। ये घटना इससे 8 साल पहले भी एक बार वहाँ डकैती हो चुकी है। किसी पर शक है कोई आपके पास पहले आया हो किस तरह? देखिए, ये बाबा लदाना मठ इस एरिए का बहुत प्रतिष्ठित मठ है, वहाँ पे अनन्य भक्त आते जाते रहते हैं, लेकिन ये मठ इतना बड़ा होने के साथ साथ वहाँ 10-12 आदमी परमानेंट रहते हैं, बिना जानकार की चोरी नहीं हुई है, वहाँ का निजी व्यक्तियों के जानकारी में ही चोरी हुई है। और मैं प्रशासन से इसी बात का निवेदन करने के लिए आया हूँ कि उन चोरों को पकड़ा जाए, अन्यथा वहाँ कोई साधु संत का मार भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ संपत्ति विवाद पहले से ही चल रहा है। पुलिस ने कोई सिक्योरिटी दी है? नहीं, मेरे को कोई भी सुरक्षा नहीं दिया गया है। 4 दिन से मैं अकेले ही आश्रम में रहता हूँ, और अब मेरे आश्रम में मेरे जान का दोनों खतरा बना हुआ है। बाबा जी, जब चोरी हुई तब आपके पास फोन था, पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? हमारा फोन वो छीन लिए थे, 2 फोन था मेरे पास, एक एप्पल का था एक वीगो का था, जिसका मैंने इनके कागज भी दे दिया है और वो डब्बा भी पुलिस को दे दिया है, वो मेरे दोनों फोन भी छीन के ले गए। जैसे 3-4 दिन हो गए वारदात को, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? कुछ भी नहीं किया पुलिस। मेरे को कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं मिला, ना मेरे को कुछ बताया जा रहा है उन चोरों के विषय में पकड़े गए, कोई इंक्वायरी हो रही है। मैं आज दुखी होकर DC साहब को अप्लीकेशन देऊँगा और SP साहब को देऊँगा, अगर वो चोर नहीं पकड़े गए तो हम लोग तो डेरे में रह भी नहीं पाएंगे। एक दो दो महात्मा रहते हैं, रात को अगर हम लोगों के साथ ऐसे बरदाते होंगी तो हम लोग अपना आरती पूजा और मठ का संचालन कैसे करेंगे? तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, कोई भी सुरक्षा का भाव, अब हम लोगों को इतना डर लग रहा है बच्चा कि वहाँ हम रात को सो नहीं पा रहे हैं 3 दिन से, अब 2 महात्मा जागे रहते हैं, 1 सोते हैं, आरती पूजा भी हम लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले पुलिस सही कार्रवाई कर रही है? अब हम तो इस बारे में अब तक हमारा चोरी नहीं पकड़ा गया, 7 साल पहले भी वहाँ डकैती हुई, आप लोगों को सबको ज्ञात है मेरी संपत्ति विवाद वहाँ कुछ लोगों से चल ही रहा है, ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप चाहते क्या, सुरक्षा चाहते हैं चोरों को पकड़वाना? मैं चाहता हूँ अपने मंदिर का सुरक्षा, वहाँ आए गए संतों की सुरक्षा और वहाँ की संपत्ति की सुरक्षा, और उस चोरों को पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि एक भय का माहौल इस कैथल जिला में बना हुआ है। कहाँ से संत आए हैं? यहाँ जूना अखाड़े के कुछ पदाधिकारी हैं और हमारे आस पास के 15-20 डेरों के महंत हैं, कुछ आने लग रहे हैं, अभी लेट हो रहे हैं थोड़ा गाड़ियों से, अभी और लोग भी आ रहे हैं। देखिए, बाबा लदाना में जो डेरे में चोरी हुई है उसको लेके जो साधु संगत है वो मिली थी,
और उन्होंने जो कहा है कि वहाँ पर जो चोरी हुई है पहले भी 7 साल पहले चोरी हुई थी, तो आज एसपी साहब से हम मीटिंग करेंगे लंच के बाद, और उसमें उन्होंने और डिमांड भी रखी है कि उनके लाइसेंस वगैरह बनाए जाएँ, तो वो एसपी साहब से डिस्कस करके, क्योंकि मामला सुरक्षा का, उनके पास काफ़ी ज़मीन है, तो हम बिल्कुल सीरियस है इस मैटर में, और शाम तक हम इस पर डिसीजन ले लेंगे और बिल्कुल उनको, चोरों को भी पकड़ा जाएगा, और जो सुरक्षा के लिए प्रदान करने के लिए जो स्टेप्स हों वो भी किए जाएंगे, जिसमें कि उनको PSO देना भी हो सकता है या फिर PCR वहाँ पर लगानी, जैसे उन्होंने डिमांड किया, तो उसको बिल्कुल हमने लंबा डिस्कशन किया उन लोगों के साथ।